हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 है ये, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर पीएक्स कोई भी पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और ए कोई भी रियल नंबर है और गिवन पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रही है, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉइंट ए पे होगी डेट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो क्या बता रही हूँ, दोबारा से सुन लो एक बार। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ए इज एनी रियल नंबर, x माइनस से एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है, तो p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो दिस इज बाय रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन मैं आपको डिवाइड करना टू पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन वे से भी सिखाऊंगी। लॉन्ग डिवीजन वे आपको 10th क्लास में तो पॉलिनोमियल्स की जो डिवाइड करना है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। अभी आप क्लास 9th में लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड कर सकते हो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और यू कैन यूज द रिमाइंडर थ्योरम आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको पॉलिनोमियल को दोनों पॉलिनोमियल्स की जो डिवीजन है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखा रही हूं, ठीक है। चलिए सो लेट अस मूव। सो क्वेश्चन इज कि जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है, व्हाट इज दैट पॉलिनोमियल, x माइनस 1 से डिवाइड हो रही है, 4x रेस टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। दिस पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है कौन सी पॉलिनोमियल से, x माइनस 1 से, राइट। तो मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर। बिल्कुल ध्यान से सीखेगा कि लॉन्ग डिवीजन से हम कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, जो पॉलिनोमियल अंदर है और जो पॉलिनोमियल बाहर है, दोनों को इस वे से लिखना है कि टर्म्स हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ जाए। अगर उस ऑर्डर में नहीं है तो हमें उस ऑर्डर में लिखना होगा। हाईएस्ट डिग्री इज 4 हियर, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। तो अगर इस ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो पहले हमें पॉलिनोमियल्स को इस ऑर्डर में लिखना होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की टर्म है अंदर कौन सी टर्म है, 4x रेज टू पावर 4, राइट। और यहाँ पे कौन सी टर्म है, x, इसे हम डिवाइड करेंगे x से। एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, सेम बेस है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। सो x की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 4x क्यूब। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को, दोबारा से बता रही हूँ, 4x रेस टू पावर 4, इसको हम डिवाइड करेंगे x से। 4 इज द कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ गई, x बेसिस सेम, डिवाइड हो रही हैं टर्म्स, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। 4 माइनस 1 इज 3, सो 4x क्यूब। ये टर्म जो आई इसे हम लिखेंगे कोशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ये आपकी कोशेंट में टर्म आई है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बाहर जितनी भी टर्म्स है उससे, डिवाइजर से, ठीक है। दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और नीचे आएगा रिमाइंडर, राइट। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ चुके हैं अगेन से, सो देख लेते हैं क्या आता है। 4 x की पावर 3 इंटू x की 1, बेसिस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होगी। फर्स्ट टर्म हमेशा वही आएगी जो ये वाली है, 4x रेस टू पावर 4। नेक्स्ट टर्म क्या आई, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x क्यूब। अब x क्यूब की टर्म x क्यूब के ही नीचे लिखी जाएगी, ये नहीं आप x क्यूब को x स्क्वायर के नीचे लिख दो, नो, ठीक है। What will be the next step? जब हम divide करते हैं, जैसे 16 को हमने divide किया मान लो 3 से, right?
थ्री फाइव आर 15, देन हम क्या करते हैं माइनस, राइट। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है, जो भी नीचे टर्म्स है जब हम माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस की टर्म है, तो ये माइनस की हो गई, ये माइनस था ये प्लस हो गया। सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, 4x^4 माइनस 4x^4 ये हो गई कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नाउ माइनस के 3 प्लस के 4 दोनों x क्यूब की टर्म है, तो x क्यूब तो आएगा, प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 आप आगे लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x क्यूब, बाकी की सारी टर्म्स को एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, माइनस 2x² प्लस x माइनस 7, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप चले, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, x क्यूब, प्रोसीजर विल बी सेम, बाहर डिवाइजर में कौन सी है x, क्या डिवाइड किया तो क्या आया, पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर से पूरे, सो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब 1 से किया x स्क्वायर, अब मेरे पास अगली टर्म ये आई, x क्यूब के नीचे x क्यूब, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, चेंज द साइंस, माइनस प्लस, x क्यूब प्लस के, x क्यूब माइनस के, कैंसिल, माइनस 2 एंड प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, इंटीजर्स का चैप्टर क्लास 6 में पढ़ा था हमने, माइनस 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 1 लिखो या ना लिखो, x स्क्वायर, ऊपर वाली दोनों टर्म एज इट इज, प्लस x माइनस 7, यहाँ तक सभी को क्लियर, ये दोनों स्टेप दोबारा बता रही हूँ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये आपके लिए नया है, और जो टर्म आई थी एक्स स्क्वायर आए थे प्लस के, उसको क्वेश्चन में लिखना भूलना नहीं है। चलो दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि गिवन पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री टर्म्स, राइट। उसके बाद 4x^4 को हमने डिवाइड किया x से, जब हमने x से डिवाइड किया व्हाट वी गेट, 4x³। अब 4x³ ये टर्म लिखी जाएगी कोशेंट में, और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे डिवाइजर की टर्म से, डिवाइजर के अंदर जितनी भी टर्म्स है, मल्टीप्लाई किया 4x³ को x माइनस 1 से, 4x^4 माइनस 4x³, तो हमने नीचे टर्म लिखी, 4 की डिग्री के नीचे 4 वाली टर्म, 3 की डिग्री के नीचे 3 वाली टर्म, साइन चेंज किए, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल, 4 माइनस 3 इज 1, सो एक्स क्यूब, ऊपर वाली टर्म हमने एज इट इज नीचे उतार ली तीनों, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी गेट एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, राइट इट इन द कोशेंट, सो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स क्यूब, माइनस 1 से किया माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ चेंज द साइंस अगेन, प्लस की टर्म एंड माइनस की सेम टर्म विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद जो भी टर्म्स बची हमने उसे नीचे उतार लिया। अब मेरे पास क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ नेक्स्ट टर्म आई हैव माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइजर में फर्स्ट टर्म कौन सी है, x, सो व्हाट विल वी गेट, माइनस, डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, 2 माइनस 1 इज 1, सो व्हाट वी गेट, माइनस x, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए माइनस x इंटू x माइनस 1, ये अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये रफ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डू डायरेक्टली। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, यही आया, नाउ चेंज द साइंस, प्लस माइनस, माइनस की टर्म प्लस की टर्म कैंसिल, और यहां भी सेम टर्म है विद ऑपोजिट साइन, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, अब मेरे पास बचा माइनस 7। अब जो मेरे पास दिस इज द रिमाइंडर, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि डिविडेंड में है और जो कि डिवाइजर में है उनकी सेम नहीं है, यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं आ रही लेकिन यहाँ तो एक्स की टर्म पड़ी है, ठीक है, तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, योर रिमाइंडर विल बी माइनस 7,
सो रिमाइंडर विल बी माइनस सेवन. ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा हो दिस विल बी द क्वेश्चन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? ओके, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे इसी वे से. अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम से करना है, 4x raised to power 4 minus 3x cubed and minus 2x square plus x minus 7 divided by x minus 1. और रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर है और कोई लीनियर पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर रही है, दिस इज ए रियल नंबर, तो पी ऑफ ए की वैल्यू जो है दैट विल बी द रिमाइंडर. सो ये हम क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू रखेंगे 0. तो x मेरे पास क्या आया, 1. नाउ वी विल पुट 1 हियर. अब चेक करो, रिमाइंडर विल बी सेम इन बोथ केसेस, 4x raised to power 4 minus 3 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 minus 7. 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 1, 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7. ठीक है, नाउ प्लस के कितने टर्म्स हैं, 2, 4 प्लस 1 5, इनको ऐड किया माइनस 5 एंड माइनस 7, ये कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज द रिमाइंडर, माइनस 7. हमने उस वे से किया था लॉन्ग डिवीजन से, तब भी हमारा आंसर माइनस 7 आया था और इस वे से भी माइनस 7 ही आया है. ठीक, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चेक वेदर दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7 plus 3x. अब हमें बताना है कि ये मल्टीपल है या नहीं है. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ न्यूमेरिकल डिजिट्स की. मैंने पूछा क्या 18 इज मल्टीपल ऑफ 6? आप कैसे बताओगे क्या 18 6 का मल्टीपल है? अगर 18 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मींस रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है, देन 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अब ये तो छोटी टर्म है, तो मुझे पता है 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 18, तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अगर कोई बड़ी टर्म है वो मल्टीपल ऑफ 6 है या नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर हम उसे डिवाइड कर दे टर्म को जिसका मल्टीपल हमें कहा गया है. ठीक है, तो 18 इज मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है कि 6 के टेबल में 18 आए, कि 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 18 को. या मैं कहूं अगर 18 को 6 से डिवाइड करे तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आए तो मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, 3x square plus 7x इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल पूछा है, इज मल्टीपल ऑफ 7 plus 3x. अब मुझे इसका मल्टीपल पूछा है, इट मींस अगर मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को 7 plus 3x से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? तो देयर आर अगेन टू वेज, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज कर सकते हो या रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हो, चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा करना चाहते हो. अभी आपके कोर्स में रिमाइंडर थ्योरम है, हम उससे कर लेते हैं और लॉन्ग डिवीजन से भी कर लेते हैं. ओके, रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें इसे इक्वल टू रखना पड़ेगा 0 से, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी. 7 उधर गया, माइनस का हो गया, x आ गया -7/3. सो px पॉलिनोमियल इज 3x square plus 7x. सो पुट द वैल्यूज, -7/3 square plus 7 into -7/3. 7 स्क्वायर इज 49, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस माइनस माइनस 7 into 7, 49/3. ये कैंसिल हो गया, 3 3s are 9. सो व्हाट आर द टर्म्स, 49/3 minus 49/3. व्हाट वी गेट, रिमाइंडर आ गया 0. देयरफॉर यस, 3x square plus 7x इज मल्टीपल ऑफ 7 plus 3x. इसी को आप लॉन्ग डिवीजन वे से भी चेक कर सकते हो. अगर मैंने लॉन्ग डिवीजन से करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या था, पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री. मेरे पास टर्म थी डिवाइजर के लिए 7 plus 3x, आई विल राइट इट एज
3x plus 7. अगर मैं यहाँ पे 7 plus 3x लिख दूंगी तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. एंड पॉलिनोमियल जो डिविडेंड के लिए है 3x square plus 7x. You can check it easily. 3x square divided by 3x. 3 से 3 कैंसिल हो गया. x की पावर 2 माइनस 1 x. मल्टीप्लाई करेंगे x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x square. x को 7 से किया 7x. साइन चेंज, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल, तो रिमाइंडर विल बी जीरो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3. Find the remainder when the polynomial is divided by y plus 1. Okay. मैं आपको इसे factor theorem से नहीं कर, sorry, remainder theorem से नहीं करवा रही. आप remainder theorem से खुद इसकी value find कर सकते हो. That is very easy. तो मैं इस एक और question को आपको long division way से ही सिखा रही हूँ ताकि आपका वो method भी clear हो जाए. ठीक है? चलिए, let us write the polynomial. Now polynomial is p y. No, y plus 1 is in divisor. Y plus 1. And what is the term for dividend? Y raised to power 4 minus 3y square plus 2y plus 6. Okay. हमें remainder find करना है. चाहे देखो आप remainder theorem से करो, चाहे long division से, answer will be same. Okay, let us move to this one. y raised to power 4. सबसे पहले चेक करो highest degree से lowest degree की तरफ है दोनों में, divisor और dividend में polynomial. Yes. Now y raised to power 4 को किससे डिवाइड करेंगे? y से. So क्या आंसर आएगा? 4 minus 1, 3. So y cube is in quotient. Multiply करो y cube को y से किया, y raised to power 4. 1 से करेंगे y cube. अब मेरे पास तो given polynomial में y की पावर 3 मींस y क्यूब की टर्म ही नहीं है. सो आई विल राइट इट हियर. यानी कि मैं उसको छोड़ दूंगी. अगर मेरे पास ऊपर y की पावर 3 की टर्म नहीं है, राइट इट हियर बाकी टर्म्स के बाद. नाउ चेंज द साइंस, माइनस, और ये टर्म हमने लिखी थी माइनस. ये तो सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन कैंसिल. अब मैं पहले माइनस 3y स्क्वायर नहीं लिखूंगी. हाईएस्ट डिग्री टर्म y क्यूब इज देयर आल्सो. So, यहाँ पे हम पहले y की पावर 3 वाली टर्म लिखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर पहले माइनस 3y स्क्वायर लिख दोगे तो आप उसी से सॉल्व कर दोगे तो आंसर विल गेट रॉन्ग. देन y क्यूब के बाद y स्क्वायर वाली टर्म है, ऊपर से जो भी टर्म्स है एज इट इज उतारेंगे, प्लस 2y प्लस 6. क्या ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले नेक्स्ट स्टेप पे. नाउ What is my first term in the polynomial जो कि dividend में है? Minus 4 cube. Okay. Divide by y. Minus 4 की power 3 minus 1, 2. So minus y square. Multiply करेंगे. Minus y square को y से किया. Minus y cube plus minus minus 1 into y square is y square. Right? Now change the signs again. Plus and this will be plus. ये same term. With opposite sign cancel. Minus 3 plus 1. क्या आएगा? Minus 2 y square. ऊपर वाली term as it is उतारेंगे. Now minus 2 y square divided by y. So minus 2 and y. ठीक है? So क्या term आई मेरे पास? Minus 2 y. Multiply कीजिए. Minus 2 y को y से किया. Minus 2 y square plus minus minus 2 y. Right? Now change the signs, plus and this will also get plus. Same term with opposite sign, 2y plus 2y kya gaya? 4y plus 6 as it is utara. Now 4y ko divide karenge kisse? Y se. Y se y cancel, question mein kya aya? Plus ke 4. 4 ko y se multiply kiya, 4 ko 1 se multiply kiya, change the signs, 6 minus 4 is 2. So, हमें रिमाइंडर फाइंड करना था. रिमाइंडर हमारा क्या आया? 2. रिमाइंडर क्या आया? 2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, चले नेक्स्ट पे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल दिस बी द मल्टीपल ऑफ x प्लस 2? ओके, मल्टीपल कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा. राइट, तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर के लिए 0 रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी.
सो नेक्स्ट इज x प्लस टू से डिवाइड करने पे, तो हमने x प्लस टू को जीरो रखा, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस टू. एंड व्हाट वाज द गिवन पॉलिनोमियल? गिवन पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस टू एम एक्स स्क्वायर, x क्यूब माइनस टू एम एक्स स्क्वायर प्लस 16. ओके, नाउ p ऑफ माइनस टू फाइंड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होता है अगर ये मल्टीपल है, कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो p ऑफ माइनस टू डेट विल बी इक्वल टू जीरो. इससे पहले आप एक लाइन लिख सकते हो, x प्लस टू, जो इसे दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ x प्लस टू, डेट इज p ऑफ माइनस टू इज जीरो. तभी मल्टीपल होगा व्हेन रिमाइंडर इज जीरो. सो पुट द वैल्यू ऑफ x, माइनस टू क्यूब माइनस टू एम इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू जीरो. माइनस टू का क्यूब माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर डेट विल बी फोर प्लस 16. 16 माइनस एट इज एट, माइनस टू फोर आर एट एम, एट एम को हम उधर ले गए, प्लस का हो गया, सो एम इज इक्वल्स टू एट बाई एट डेट इज वन. तो एम की वैल्यू वन के लिए ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होगी. आप चेक भी कर सकते हो कैसे. अब हमने गिवन पॉलिनोमियल में m को 1 ले लिया, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल. नाउ अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस टू पुट करोगे, आंसर जीरो आएगा, माइनस टू क्यूब माइनस टू इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 16, माइनस एट माइनस टू इंटू फोर, माइनस एट एंड माइनस एट क्या हो गया, माइनस 16 प्लस 16 जीरो. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हमें यही चेक करना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम दिस इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस टू, एम इज इक्वल्स टू वन. नेक्स्ट वन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री. आई थिंक इस एक और क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से ही करते हैं, क्योंकि आपके लिए नया मेथड है रिमाइंडर थ्योरम से, तो यू ऑल विल सॉल्व, आई नो दैट इज वेरी इजी. चलिए स्टार्ट करते हैं. डिवाइड करना है x प्लस थ्री से, and the polynomial for the dividend is x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 4x plus 50. Okay, this is the question. So सबसे पहला step, check the polynomials की highest degree to lowest degree में arranged है. Yes, they are arranged already. So x cube divided by x, what will you get? एक्सपोनेंट एंड पावर लगाएंगे, 3 माइनस 1 2. सो फर्स्ट टर्म इन द क्वेश्चन इज x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x स्क्वायर. क्लियर. अगर आपको अभी स्टार्टिंग में ऐसे ऑरली करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रफ में ऐसे कर सकते हो कि x स्क्वायर को x प्लस 3 से करो, बट आई थिंक आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि ऑरली भी कर पाओ इस पे को. ठीक है, चलिए नाउ चेंज द साइंस, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों माइनस किए हैं, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 x स्क्वायर, और जो भी टर्म्स ऊपर हैं एज इट इज. Now minus 6x square को किससे डिवाइड करेंगे, x से, and what will you get? Minus 6, x की पावर 2 minus 1, 1. So next term is minus 6x. Minus 6x को x से मल्टीप्लाई किया, minus 6x square plus minus minus 6 threes are 18x, minus k 18x. Now change the signs, plus plus. 18 plus 4, 22x plus 50. Now 22x को डिवाइड करेंगे x से, so what we get? 22. So plus k 22. So 22x, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66. Change the signs. Now बड़ी टर्म माइनस की है, so what is the remainder? Minus 16. So minus 16 is the remainder. Clear to all of you? So that's all for the remainder theorem. I hope आप सबको clear होगा.
फिर भी आप जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस हैं उन सब को लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क. और अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू माय चैनल मैथ्स फॉर क्लास 9. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करवाई गई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द रिमेंडर थ्योरम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय बच्चों, टेक केयर.